हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कि वेस्ट कार्डबोर्ड से एक बर्थडे गिफ्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक वेस्ट कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड के ऊपर हम पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से एक बादल का डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। बादल का डिजाइन ड्रॉ होने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने बादल की शेप में कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद अब हम एक व्हाइट शीट लेंगे और उसको इससे कवर कर देंगे। इस व्हाइट शीट को हम बादल की शेप में कट करके इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे और पूरे बादल को व्हाइट कलर से कवर कर लेंगे। पहले हम व्हाइट शीट पे इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे ताकि ये इसी शेप में और इसी साइज का हम कट कर सके। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से डिजाइन बन गया है। इसी तरीके से जो आधा बचा है हम दूसरी शीट पर डिजाइन बना लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने इस पे पूरे पे व्हाइट शीट कवर कर दिया। अब इसके बाद हम कलर से इसकी इस तरीके से आउटलाइन करेंगे। हमें गैप छोड़ के ये लाइन खींचनी है ताकि हम इसमें कलर फिल कर सके। हमें इस तरीके से पूरे बादल पे ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने ब्लैक कलर से पूरे में लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ब्लू कलर कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरे में ब्लू कलर कर दिया है। अब कलर करने के बाद हम इसके अंदर लिख देंगे हैप्पी बर्थडे। अब हम इसमें कलर कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा कलर हो गया है। अब कलर होने के बाद हमें चाहिए ये अल्फाबेट। जो भी हमारा नाम है वो हम अल्फाबेट इसमें कट कर लेंगे। ये मैंने कलरफुल शीट में से कट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कट करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि ये अल्फाबेट कैसे लिख कर कट किए जाते हैं। अल्फाबेट होने के बाद अब हमारे पास चाहिए ये थ्रेड, मतलब धागे। हमें इनकी जरूरत है। इन धागों के ऊपर हम अपने अल्फाबेट्स को इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम अल्फाबेट के ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे। उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको धागे को ऐसे रख देंगे और एक येलो शीट लेके छोटी सी इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये हमारा अल्फाबेट अच्छे से इसमें पेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं। ध्यान रखें कि हमें सीधी तरफ से नहीं उल्टी तरफ से इसको पेस्ट करना है। इस तरीके से हम सारे अल्फाबेट में इस तरीके के धागे लगा लेंगे। ये मैंने सभी अल्फाबेट धागे में पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद हम अपने हैप्पी बर्थडे को इस तरीके से उल्टा कर देंगे और अपने नाम को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इस धागे को हम इस तरीके से लगाएंगे। जैसे हमने ये धागा इसमें पेस्ट किया था इसी तरीके से हम इस धागे को इसमें पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले हम एक वेस्ट शीट ले लेंगे कागज, इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा फेविकोल लगाएंगे और इस शीट को हम इस धागे को ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें सारे अल्फाबेट को इस कार्डबोर्ड के पीछे चिपका लेंगे। ये हमारे सारे अल्फाबेट पेस्ट हो गए हैं। अब उसके बाद चाहिए हमें एक स्क्वायर शीट। इसके जो मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ईच। तो उसको हम इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक हार्ट ड्रॉ करेंगे और इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा हार्ट बन गया है।
इस तरीके से हम और भी हार्ट कट कर लेंगे और इन हार्ट को हम इस तरीके से इस धागे को ऊपर पेस्ट कर देंगे। हम एक वेस्ट शीट लेंगे, उसको ऊपर इस तरीके से फेविकोल लगा लेंगे। इस शीट को हम इस तरीके से इसके नीचे रख देंगे और जो हमारा हार्ट है उसको इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पेस्ट हो गया है। इस तरीके से हम अपने सभी हार्ट को इसमें इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद मेरे पास ये वाले स्टोन रखे हुए हैं, तो हम इस स्टोन को ऊपर इस तरीके से फेविकोल लगा के हार्ट के ऊपर इनको पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम ये सारे हार्ट पेस्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बर्थडे गिफ्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हमें इसे टांगने के लिए पीछे लूप की जरूरत है। लूप बनाने के लिए हमें चाहिए एक कलाया। कलाया को हम इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके लिए मैंने लिया एक वेस्ट शीट। वेस्ट शीट पर हम इस तरीके से फेविकोल लगा लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा एक लूप रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरा भी यहाँ पे लगा लेंगे। आप देख सकती हैं हमारे दोनों लूप बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये बर्थडे गिफ्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरा ये बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? अगर आपको ये गिफ्ट आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।